दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने ऐसे पांच फोन जो आपके बजट में होंगे बिल्कुल, और आप उनका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों जो नंबर एक पे है, नंबर एक पे हमारा गैलेक्सी F12 4GB रैम के साथ में है। तो इसकी लुक देख लेते हैं। लुक में आपको ये आपको कहने की कोई बात नहीं है, सैमसंग अपने ब्रांड को लेकर के और अपने लुक को लेकर के बहुत ज़्यादा हमेशा ही नंबर वन पे रहा है। और अगर ये F12 की बात कर ले तो F12 में आप इसके फ्रंट लुक देख लीजिए। फ्रंट लुक में इसकी LCD जो है वो 6.5 इंच के करीब ये LCD है इसकी, 16.55 सेंटीमीटर के करीब। और इसकी बैक साइड और साइड में देख लीजिए, ये बिल्कुल स्लिम मॉडल में है। और ये साइड है इसकी एक साइड में, और दूसरी साइड भी बिल्कुल स्लिम है और बड़ा प्यारा सेट है दोस्तों इसकी। अगर आप लुक देखें और अगर आप इसका बैक साइड देखें, बैक साइड में चार कैमरों के साथ में ये इसकी बैक साइड है और सैमसंग का लोगो लगा हुआ है साथ में, और बड़ा ही प्यारा देखने में लग रहा है। और आगे देख लेते हैं इसकी, ये इसके कलर आपको दिखा देता हूँ मैं। कलर इसके तीन कलर हैं, और पहला है इसका सी ग्रीन, और ये सी ग्रीन कलर में है। नेक्स्ट इसका जो कलर है वो ब्लैक है दोस्तों, तो ब्लैक भी देख लेते हैं। और ब्लैक भी बड़ा प्यारा कलर है, ये देखिए इसका बेसिक कलर बहुत 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 प्यारा है दोस्तों। उसके बाद ये स्काई ब्लू है, स्काई ब्लू में आप ये इसका ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है अगर ये लेना चाहें आप। और आपके अगर बजट के हिसाब से देखें तो कोई इतनी ज़्यादा भी कोई डाउन चीज़ नहीं है, बड़ी अच्छी चीज़ मिल रही है हमें। इतने रेट में अगर हम कहें तो बहुत प्यारी चीज़ है, कोई इसमें कमी हमें कुछ नहीं लग रही है। हाँ, ये आप अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कनेक्टिविटी में ये 5G नहीं मिलेगा आपको, ये 4G कनेक्टिविटी के साथ में है। और फिंगरप्रिंट इसके हैं साथ में सेंसर, और दोनों आपके फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेंगे इसके अंदर। अगर इसकी डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.5 इंच इसकी डिस्प्ले है। और इसके अगर हम कैमरे की बात कर लेते हैं, कैमरा इसका 48+5+2+2 मेगापिक्सल के अंदर इसका जो कैमरा है LED फ्लैश के साथ में है, और फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल के अंदर में है। तो बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी इसकी 6000 MAH की है और फास्ट चार्जिंग है। कनेक्टिविटी आपको मैंने बता दिया है, इसकी 4G या 3G या 2G के अंदर ही आपको मिलने वाली है, 5G इसके अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम अपने बजट की बात करें तो बजट में इतनी ज़्यादा कमज़ोर चीज़ ये नहीं है और बहुत अच्छी है। और आपको सैमसंग के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, इस बात का पता है आपको कि सैमसंग ब्रांड को लेकर के अपने कभी भी समझौता नहीं करता है, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और लुक भी आपने देख लिया, ये इसका फ्रंट साइड, और अगर साइड इसकी देखें तो स्लिम मॉडल है बिल्कुल, बड़ा प्यारा मॉडल है देखने में और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों आप अपना मन बना लीजिए अगर आपको ये पसंद है तो। नेक्स्ट आपको डिवाइस में दिखा देता हूँ जो नेक्स्ट हमारा डिवाइस है। तो दोस्तों अगला जो हमारा सेट है वो है Redmi 9 Prime। तो देखने से ही आपको पता लग गया होगा कितनी ये ज़बरदस्त चीज़ है, और देखने में भी बड़ी प्यारी लग रही है। और अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसके प्राइस में आपको ये 9999 रुपये में सिर्फ आपको मिलने वाला है। और ये अगर लुक इसकी देखें तो अगर सैमसंग की तरफ देखते हैं तो सैमसंग भी अच्छा लगता है, और अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये भी बड़ी प्यारी चीज़ है। तो दोस्तों हाँ, आपको अगर जिस चीज़ का मन करे आपको ये चीज़ अपने आप सोचनी है कि ये कैसे आप कंफर्ट कर पाएंगे, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये 13 मेगापिक्सल के अंदर वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल डिपेंड सेंसर के साथ में आपके पास आने वाला है। अगर बात करें दोस्तों इसके लुक की, अगर बात करें तो लुक में ये मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसके सामने सब मेरे को फीके लग रहे हैं, क्योंकि या तो आप कह लीजिए कि ये जो मॉडल रेडमी ने जो निकाला है ये देखने में एकदम से स्लिम मॉडल है और बड़ा ही प्यारा मॉडल है, और इसके कलर भी अलग ही हैं, और आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये इसके मॉडल हैं, और मॉडल देख के आप इसको पसंद कर लेना, और उसके बाद जो कलर आपको चाहिए, कलर इसमें बहुत हैं, कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसके अभी जो अगले जो इसके कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके साथ साझा कर लेता हूं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों आपको मिलने वाला है, आपको ये सबसे पहले आपको प्राइस के बारे में इसके बता देता हूं कि अमेजोन पे ये 9999 रुपये, या आपको यहाँ साइट से भी आप Xiaomi की आप खरीद सकते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका प्रोसेसर है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसका 2 GHz के अंदर, और
ड्यूल कोर प्रोसेसर है इसका, 1.8 GHz के अंदर हेक्सा कोर में। तो वेट की बात कर लें दोस्तों, तो इसका वेट 198 ग्राम है सिर्फ। और रैम की बात करें तो 4 GB रैम के अंदर ये चीज़ रैम में भी ठीक है, कोई ज़्यादा डाउन नहीं है, बहुत अच्छी है, 4 GB में रैम बहुत ठीक रहती है। तो बैटरी आप कर लें 5020 के मेगाहर्ज के करीब इसकी बैटरी है। तो डिस्प्ले इसकी बात कर लेते हैं, डिस्प्ले 6.53 इसकी डिस्प्ले है और 16.59 सेंटीमीटर गोरिल्ला ग्लास के अंदर U3। तो वेट इसका आपको बता दिया मैंने, 198 ग्राम है। और कैमरे की बात कर ले, इसकी कैमरा इसका 13+8+5+2 MP क्वाड प्राइमरी कैमराज के अंदर ये है। 8 MP इसका फ्रंट का कैमरा है और USB-C पोर्ट इसके अंदर लगी हुई है और 4G कनेक्टिविटी के अंदर है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी आपको 5G नहीं मिलने वाला, इसके अंदर भी आपको 4G कनेक्टिविटी के साथ ही आपको ये फ़ोन मिलेगा। और आगे बात कर लेते हैं, ये लॉन्च हुआ था हमारा अगस्त 2020 में। और इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। साइड दोनों हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बिल्कुल ओके और चलेंगे। तो दोस्तों आप अपना मन बना लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। आपको ये हो गए आपके सेकंड नंबर, और आ जाते हैं हम इसके जो अगला डिवाइस है हमारा थर्ड नंबर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो मोबाइल है वो है हमारा Realme C3, जो आपने देख ही लिया होगा, एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार। तो दोस्तों फ्रॉम 8999 रुपीज़ से ये शुरू हो रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा प्राइस, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ से पता ही है कि आपको ऑफ़र वगैरह में कम ही मिलने वाला है ये रेट में। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट का प्राइस है, तो आप इसको अपनी अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मन बने तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो 2 MHz मैसेसिव बैटरी के साथ में है और अप टू 30 डेज स्टैंड बाई के साथ में 16.5 सेंटीमीटर यानी कि 6.5 इंच मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन के साथ में। और आप इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर इसका ओक्टा कोर 12 nm और प्रोसेसर के साथ में है। और रियलमी अगर क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी में बहुत अच्छी चीज़ है। और आप ये फ़ोन भी देख रहे हैं, स्लिम मॉडल है और बहुत ही प्यारा है। डबल कैमरा है इसके अंदर, बैक साइड का अगर हम कैमरा लगाएं, प्राइमरी कैमरा इसका और फ्रंट कैमरा दोनों, मैं आपको बता देता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये आपने वीडियो देख लिया है इसका। तो अभी कैमरे की बात कर ले, तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 12 MP के अंदर प्लस 2 MP के अंदर इसके दो जो कैमरे हैं और LED फ्लैश के साथ में है दोस्तों। फ्रंट कैमरा इसका 5 MP के अंदर है। और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 5000 MHz के अंदर है, माइक्रो USB पोर्ट के साथ है और ड्यूल सिम है दोस्तों। मेमोरी इसकी, आपकी स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज इसकी 32 GB पे है और अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर नहीं है, तो ये बड़ी दुख की बात है दोस्तों। अगर मॉडल देखें तो मॉडल देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर इसके सेंसर की बात करें तो कुछ चीज़ें तो कम हो जाती हैं। देखिए अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पता ही है कि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा मतलब डाउन है। तो प्राइस के साथ में कुछ ना कुछ तो हमें छोड़, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और कनेक्टिविटी की बात अगर इसकी करें तो कनेक्टिविटी ये 4G में ही है, जैसे हमारा सैमसंग और मैंने आपको MI के फ़ोन दिखाए हैं उनके अंदर भी कनेक्टिविटी के अंदर 4G के साथ ही, ये भी 4G 3G या 2G के अंदर आपको सपोर्ट करेगा, ये 5G कनेक्टिविटी के साथ में नहीं है दोस्तों। तो अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो ओक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 GHz ड्यूल कोर प्लस 1.7 GHz हेक्सा कोर के अंदर ये आपको मिलने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं अगला मॉडल हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेट है दोस्तों वो है हमारा गैलेक्सी M01 मेरा स्टाइल। और दोस्तों इसके साथ आपको 4000 MHz बैटरी और 13 MP ड्यूल कैमरा आपको मिलने वाला है। तो अगर इसकी प्राइस का देखें तो प्राइस आपको इसको बहुत कम मिलने वाली है। ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको मैं रेट बता देता हूँ इसका। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसका प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको यहाँ मैंने फ्लिपकार्ट निकाला है, वहाँ ऑफिशियल पे इसकी जो प्राइस था वो नहीं डला हुआ था। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M01 का जो प्राइस है वो 7,895 रुपये में है। और बात कर लें इसके लुक की, तो लुक इसका बहुत ही शानदार है। अगर प्राइस के मुकाबले देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर प्राइस को साथ में लेके चलें। और अगर इसके
बैक साइड देख लें तो बैक साइड भी इसकी बहुत ही शानदार है, और इसका साइड भी इसका स्लिम है। लेकिन रेट के साथ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रेट के साथ में जैसी चीज़ हम ख़रीदेंगे तो उसी हिसाब से हमें चीज़ के साथ थोड़ा बहुत रेट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो सैमसंग गलेक्सी M01 ब्लू कलर में है ये दोस्तों, और इसकी जो रैम है वो 3GB है, और इसकी स्टोरेज की बात कर ले, स्टोरेज इसको 32GB हमें मिलने वाली है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर दोस्तों इसका MediaTek हेलो P22 और CPU इसका ओक्टा कोर 2 GHz कोर्टेक्स A53 में हमें मिलने वाला है। और अगर इसकी रैम मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी 3GB रैम है, और अगर इसकी हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज इसमें हमें 32GB मिलने वाली है। और अगर इसको एक्सटेंबल करना चाहें, एक्सटेनेबल आप इसको कर सकते हैं। और इसकी अगर वेट की बात करें तो इसका वेट 168 ग्राम के लगभग है। और कलर इसके 3 कलर हैं, और आपको तीनों कलर मैं दिखा दूंगा। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल अप टू 4x डिजिटल, और 2 मेगापिक्सल कैमरा इसका जो सेकेंडरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल के अंदर इसका सेकेंडरी कैमरा है। बैटरी कैपेसिटी दोस्तों अगर बात कर ले तो इसकी 4000 मेगाहर्ज़ के अंदर इसकी बैटरी है, और लियो ऑन में इसकी चार्जिंग सॉकेट है, जो इसकी चार्जिंग वाली USB सॉकेट है वो आपकी सी में नहीं है। इंटरनल मेमोरी मैंने बता दी आपको 32GB के करीब है इसकी, 32GB मेमोरी में आपको ये मिलने वाला है। और अगर आपको एक्सपेंडेबल करना है इसको तो ये 512GB तक आपका हो जाएगा। यूजर अवेलेबल स्टोरेज और ड्यूल सिम है ये, GSM प्लस GSM आपको मिलने वाली है इसके अंदर, और दोनों ही आपकी नैनो सिम है। 4G में ही 5G में ये कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, 3G या 2G आपको उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्ट यस और 4G बैंड, 3G बैंड और 2G बैंड पे ही ये काम करने वाला है आपका। वाईफाई आपका 802.11 और मोबाइल हॉटस्पॉट सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन आपको 5G नहीं मिलने वाला। ये दोस्तों हमारा 16 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये मार्केट में बना हुआ है, और सैमसंग का ब्रांड है। और सैमसंग के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि सैमसंग कैसा ब्रांड है, और अपनी जो परफॉर्मेंस को लेकर के मार्केट के अंदर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता है। 3 इसके कलर हैं मैंने आपको बता दिया था, एक जो ब्लैक कलर मैंने आपको दिखा दिया है, अभी ब्लैक कलर चल रहा है, और ये 2 कलर इसके, एक रेड कलर है और दूसरा इसका ब्लू कलर है। तो आप जो आपको अच्छा लगे और अपने बजट को देख करके जिसको आप लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। तो HD क्वालिटी में सैमसंग हमेशा अपने जितने भी डिस्प्ले हैं, ये बात मैं खुद भी देखा है कि अगर सैमसंग की अगर बात करें तो सैमसंग जो क्वालिटी है अगर डिस्प्ले की, वो डिफर तो मिलती है ज़रूर थोड़ी सी। तो बाकी आप भी अपनी नज़र से देखें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सैमसंग और ब्रांड के अंदर कितना फ़र्क लगता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस की ओर, नया जो मोबाइल है चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। कौन हमारा डिवाइस है, वो है गैलेक्सी M11। तो दोस्तों मेरा गैलेक्सी एंड मेरा स्टाइल, तो दोस्तों ये है हमारा अगला डिवाइस। और इसको अगर आप देखें तो दूसरों के मुकाबले आप थोड़ा सा ये ज़रूर देखना कि जो मैंने पहले आपको 4 जो मोबाइल दिखाए हैं उससे अलग ये थोड़ा सा ये फ़र्क है। लेकिन है सैमसंग का ही मॉडल, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको MI के भी दिखाए, MI के बहुत अच्छे मॉडल दिखाए मैंने आपको, और अभी यहाँ पे मैं सैमसंग के भी बहुत अच्छे मॉडल आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ये है। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से देखना, तो गैलेक्सी M11 इसके अंदर आपको जो बैटरी मिलने वाली है 5000 MHz के अंदर, और NFT ओ डिस्प्ले, यानी कि इसका जो डिस्प्ले है कुछ डिफरेंट होने वाला है। और नेक्स्ट मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये एक नंबर मेरे को फ़ोन लगा है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे इसमें आपको 3 कैमरे मिलने वाले हैं, जो बैक साइड कैमरे हैं इसके, जो प्राइमरी कैमरे हैं, तो जो आपका कैमरा है 2 मेगापिक्सल का है, और मेन जो कैमरा है आपका वो 13 मेगापिक्सल के अंदर है। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है आपका वो 5 मेगापिक्सल F2.21 115 अल्ट्रा वाइड रेंज के अंदर आपको मिलने वाला है। इसकी अगर इसकी स्क्रीन की बात कर लें दोस्तों, तो इसकी स्क्रीन आपको 6.4 इंचेस और 16.26 सेंटीमीटर के अंदर 720x1560 पिक्सल के अंदर आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। इसके कलर की बात कर लेते हैं, कलर इसके 3 डिफरेंट कलर हैं, इसके अंदर ब्लैक है, और नेक्स्ट इसका मेटेलिक ब्लू है, और थर्ड इसका वॉयलेट कलर है। और कलर इसके सभी शानदार हैं, जौन सा चाहें आप इसका ले सकते हैं, और मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो चाहें
अपनी बजट के हिसाब से इसको आप पसंद कर सकते हैं। और जो मैंने पहले मॉडल दिखाए हैं उनमें से भी आप अगर इनके साथ आपका बजट अगर सही रहता है, आपकी पॉकेट में बारह खाता है, तो आप ये भी ले सकते हैं, नहीं आप दूसरा भी ले सकते हैं। ये आपका स्लिम मॉडल है, बिल्कुल स्लिम और 5000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी के अंदर है। तो चलिए जो इसकी और कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये 3 GB रैम के अंदर में है और इसका जो स्टोरेज है वो स्टोरेज आप 32 GB में ये आपको मिलने वाली है। अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो उसमें आप 512 GB इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। और OTG ये पोर्टेबल है और कनेक्टिविटी इसकी मैं बता देता हूँ आपको, ड्यूल सिम है, GSM प्लस GSM, 4G सपोर्ट है, 5G ये नहीं है, तो सॉरी दोस्तों ये भी 5G नहीं है, तो ये 4G के अंदर है। और वोल्ट अनेबल है, 3G इसको सपोर्ट करेगा, 4G सपोर्ट करेगा, 2G सपोर्ट करेगा, और वाईफाई डायरेक्ट मोबाइल हॉटस्पॉट और बाकी सारे फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। और अगर बात कर लें इसके सेंसर की तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे मेरे द्वारा बताए गए 5 फ़ोन, जो आपको अगर कोई आपकी पॉकेट के साथ जिस हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप पसंद कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट आप मेरे को बताना कि अगर कुछ मेरे पास बताने में या किसी चीज़ में कुछ कमी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ साझा ज़रूर करना, जिससे कि हमें हौसला मिलता है और उसके बाद हम अपने वीडियो को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और आपका साथ हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिखाने वाले हैं वो हमारे साथ में हैं, तो हमको ये है कि अपना आपको सुधारने की पूरी पूरी हिम्मत मिलती है और साथ मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।